हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए मसालेदार क्रिस्पी डोसा की रेसिपी लेके आई हूँ, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, कुरकुरा और मज़ेदार है, जो बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। मैंने कई तरीके से आज फोल्ड करना, डोसे को फोल्ड करना बताया है। तो चलिए इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने रात में ही राइस और दाल सोक करके रख दिया था, आप देख सकते हो। ये मैंने 8 आवर के लिए सोकिंग टाइम रखा था। इसके लिए आप कोई सा भी राइस ले सकते हो, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। और दाल में उड़द की दाल और चने की दाल मैंने यहाँ सोक किया। क्या रेशियो रखा है मैंने राइस और दाल के लिए, वो 3:1:2 का रेशियो रखा है, जिसमें 3 पार्ट मैंने राइस लिया है, 1 पार्ट उड़द की दाल ली है और 1/2 पार्ट मैंने चने की दाल ली है। मैंने इसमें थोड़ा सा फेनुग्रीक सीड, मेथी का दाना भी डाला है, जो मैंने 1 टेबल स्पून ऐड ऑन किया था। मेथी जो है वो टेस्ट इन्हांसर का भी काम करता है और फर्मेंटेशन में भी सहायता करता है, इसलिए हमने यहाँ मेथी का दाना साथ में ही भिगो के रख दिया था। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स का स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। तो मैंने ग्राइंडर जार में राइस और थोड़ा सा पोहा ऐड किया है, पोहा मैंने क्रिस्पीनेस के लिए ऐड किया है। यहाँ चने दाल का भी ऐड इसीलिए किया था क्योंकि वो एक ब्राउनिश कलर और क्रिस्पीनेस प्रोवाइड करेगा डोसे को। मैंने यहाँ राइस और दाल को इंडिविजुअली ग्राइंड किया है, तो मैं उसको अच्छे से फिर मिक्स कर लूँगी। मैं अभी उसको मिक्स करने के बाद मैं इसे रेस्टिंग टाइम दूँगी फॉर फर्मेंटेशन, इट्स अ 10 आवर टाइम। आफ्टर 10 आवर आप देख सकते हैं हमारा जो बैटर है डोसे का, वो काफ़ी अच्छे से फर्मेंट हो चुका है, बहुत अच्छे से। अब मैं उसमें से थोड़ा सा बैटर एक अलग बाउल में लूँगी और उसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी। वो सॉल्ट ऐड करके मैं उसकी कंसिस्टेंसी बैटर की बनाने के लिए फॉर डोसा परपस थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी। आप देख सकते हो मैंने वाटर कैसे ऐड किया, कितना अमाउंट में ऐड किया एंड उसकी क्या एग्जैक्ट कंसिस्टेंसी होगी बैटर की, वो आप देखिए। नाउ टाइम फॉर डोसा। हमारा तवा गर्म हो गया है, मैं इसे ऑलिव ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ एंड इस पर थोड़ा सा पानी डाल करके मैं स्मूथली इसको क्लीन कर लूँगी एंड उसके बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट में मैं इस पर डोसे का बैटर डालूँगी और स्लोली स्लोली मैं उसे स्प्रेड करूँगी तवे पे। आप देखिए कितना स्मूथली ये स्प्रेड हो रहा है, ऐसे आप धीरे 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 सर्कल में इसे स्प्रेड कर लेंगे। गाइस, जब मैं बैटर ऐड करती हूँ और स्प्रेड करती हूँ तो उस टाइम पे मैं स्टोव का जो फ्लेम है वो मीडियम रखती हूँ। आफ्टर 2 मिनट आप देख सकते हैं कि डोसा कैसे तवे के को छोड़ रहा है। अभी तक मैंने ऑयल ऐड नहीं किया था, अब बटर, ऑयल जो भी आपको पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी रेड डोसा हमारा रेडी हो रहा है। अब इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के लिए कैसे फोल्ड करना है, आज मैं आपको कई तरीके से डोसे को फोल्ड करना दिखा रही हूँ। फर्स्ट तो ऐसे हमने रोल कर लिया डोसे को, बहुत ही क्रिस्पी है ये डोसा, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कितना क्रिस्पी डोसा बना हुआ है। पहला डोसा हमारा बनके रेडी हो गया। अब हम दूसरा डोसा यहाँ बना रहे हैं। मैं 2-3 बार डोसे को बनाने का तरीका इस वजह से दिखाया है कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ डोसे को कैसे कैसे हम फोल्ड कर सकते हैं। तो मैंने जैसे शुरू में बोला कि आज हम मसालेदार डोसा भी बनाएंगे, तो ये तो मैंने प्लेन डोसा आपको बना के दिखाया, अब मैं मसालेदार डोसा बनाऊंगी एंड उसको ट्राई एंगल में मैं
फोल्ड करना दिखाऊंगी कि कैसे ट्रायंगल में फोल्ड कर सकते हैं। जब तक आपका डोसा क्रिस्पी नहीं होगा तब तक आप प्रॉपर इसे फोल्ड नहीं कर पाएंगे, आप वो प्रॉपर शेप नहीं दे पाएंगे जो शेप हमें देना है या मार्केट में आप देखते हैं। देखिए मैंने इस पे मसाले को ऐड कर दिया। ये मसाला क्या कैसे बनाया है अलग से आपको चाहिए तो मैं इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी। मैंने साथ ही साथ चटनी भी रेडी किया है एंड सांभर भी रेडी किया है। अगर आपको इनकी रेसिपी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको क्विक सांभर की रेसिपी आपको शेयर कर सकती हूँ। देखिए मैं इसको ट्रायंगल शेप में कैसे फोल्ड करूँगी ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये इजली ट्रायंगल शेप में मैंने फोल्ड कर दिया और मैंने इजली इसको फ्लिप कर लिया। तो नाउ हमारा सेकंड डोसा भी रेडी हो गया। आपने देखा कैसे ट्रायंगल शेप में मैंने इसे किया। एंड जो ये थर्ड डोसा मैं बना रही हूँ इसे मैंने स्टफ्ड पराठे के शेप में फोल्ड किया है। ये मेरा अनियन मसाला डोसा होगा। जैसे मैंने आपको बताया था स्मूथली आप इसे स्प्रेड कर सकते हैं। प्रॉब्लम लोगों को आती है स्प्रेड करने में, लोग कहते हैं कि कैसे स्प्रेड किया, स्प्रेड कर दिया तो तवा से छोड़ नहीं रहा है। तो बहुत ईजली बहुत हल्के हाथों से आप इसे स्प्रेड करें। आप देखिए ये मैंने पराठे के शेप में स्टफ्ड पराठे के शेप में फोल्ड किया। एंड लास्ट डोसा मैंने कोन के शेप में जो आजकल काफ़ी मार्केट में देखने को मिलता है और मेरी डॉटर को भी बहुत पसंद है तो दैट्स वाई मैंने इसे कोन के शेप में फोल्ड किया है। ये कुल्हड़ डोसा में यूज़ होता है, नॉर्मली कुल्हड़ डोसा वगैरह मार्केट में मिलता है तो ये मैंने प्रॉपर कोन के शेप में इसे फोल्ड कर दिया। एंड कुल्हड़ में ही इसको रखा भी था मैंने क्योंकि मेरी डॉटर को बहुत पसंद है। सो दोस्तों ये रही आज की हमारी पूरी रेसिपी डोसे की। एंड मैंने बोला था आपको कि मैं आपको क्रश करके दिखाऊंगी कि कितना कुरकुरा डोसा बना है। आप देख सकते हैं कितना कुरकुरा ये डोसा बना हुआ है। एंड थैंक यू सो मच, आप भी बनाइएगा और हमें बताइएगा कमेंट करके कि कैसा बना। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।